गुमला जिले के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पालकोट में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में तैनात कर्मी महानंद कुमार की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सूचना के अनुसार मृतक कर्मी पथ प्रमंडल गुमला में अनुसेवक के पद पर कार्यरत था और वह चुनाव ड्यूटी में पालकोट गया था। शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद सहकर्मियों द्वारा नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल गुमला लाया गया, लेकिन गुमला पहुंचने से पहले ही कर्मी की मौत हो गई थी। इधर कर्मी की मौत के बाद कर्मचारी संघ गुमला में शोक की लहर है। कर्मचारी संघ द्वारा तत्काल 10,000 का सहयोग राशि दिया गया है। वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद किशोर ने बताया कि 3 सदस्य डॉक्टरों की टीम के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए मृतक के पैतृक गांव बोकारो भेजा जाएगा। मृतक बोकारो जिला के रंगामाटी मिर्जापुर का रहने वाला था। आपको ये है कि पालकोट सीएससी से और रेफर होके आए थे, वहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया था, सांस में कुछ प्रॉब्लम थी उनको, लेकिन यहाँ पर आने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनको यहाँ पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो अभी हम लोगों ने एक 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनाई है, उसके द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके अलावा उनका बॉडी, उनका गृह जिला बोकारो पड़ता है, तो उनको भेजने के लिए यहाँ से एम्बुलेंस मुहैया कराया जा रहा है। ये तो प्रशासन आगे उनका पता चला है कि वो चुनाव ड्यूटी में हैं, इसीलिए प्रशासन का उनका क्या रोल होगा, क्या सुविधा है, वो प्रावधान के अनुसार उनको दिया जाएगा। यहाँ पर P3 में महानंद कुमार थे, कमार थे, वो उनके यहाँ पर आने के बाद सांस में प्रॉब्लम हुआ, जिससे हम लोग उनको CSC यहाँ पालकोट में ले गए और वहाँ से उनको एम्बुलेंस के जाने के क्रम, एम्बुलेंस में उनको रेफर कर दिया गुमला में। वहाँ पर उनका जाने के क्रम में ही शायद उन परिजन के, वो उनका बेटा था, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि रजनीश कुमार सेक्टर मजिस्ट्रेट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।